कांग्रेस नेता दीपेन हुड्डा ने बजट को पूरी तरह से निराशाजनक कहा है। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं था, दीपेन हुड्डा ने बयान दिया है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि यह बजट देश के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बजट पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। इस बजट में जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, खास तौर पर विशेष तौर पर रिकॉर्ड बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, कोई आवंटन नहीं किया गया। इस बजट में बड़े जो हमारे वर्ग हैं, किसान और गरीब, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया। और केवल आंध्र प्रदेश और बिहार, बार बार उन्हीं पे चर्चा होती रही, उन्हीं को आवंटन किया गया, उन्हीं पे फोकस रखा गया और कई प्रदेशों का नाम ही नहीं लिया गया। हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, यहां तक कि हरियाणा का नाम एक बार भी लेना वित्त मंत्री जी ने ठीक नहीं समझा। बजट में नाम ही नहीं आया हरियाणा का। क्या हरियाणा भारत का, देश का हिस्सा है कि नहीं, मैं सवाल पूछता हूं। राजनीतिक भूल नहीं है सर, चुनाव भी और हरियाणा को भी से भूल गए आप। वो अगर वो हरियाणा को भूल गए बजट में, तो हरियाणा की जनता कमल के फूल को भूल जाएगी।